And you soon, it won't be long. Keep on, keep on. नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम स्नीकी गॉब्लिन्स की बात करने वाले हैं, जो कि हमारा एक सुपर ट्रूप है। और हम बहुत बढ़िया बढ़िया लूट्स देखेंगे, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं लूट अटैक्स में, जिसे आप रेड कहते हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि यार फ्री का गोल्ड पास मिल रहा है, जाओ, अभी तक लिया नहीं है क्या? आई बटन दिख रहा होगा आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आपकी स्क्रीन पे, क्लिक कीजिए यार, जाइए वीडियो को पूरा देखिए और पता लगाइए कैसे मिलता है फ्री में गोल्ड पास, और जाके लीजिए। तो चलिए हम आगे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, अटैक्स देखते हैं हम। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है मेरा पहला मल्टीप्लेयर बैटल का सर्च है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कलेक्टर्स फुल हैं। और यहाँ पे मैंने एक एक कलेक्टर जो है, चाहे वो गोल्ड का हो या फिर आप देख सकते हैं कि एलिक्सर का हो, उस पर एक कलेक्टर पे मैंने एक ही सुपर गॉब्लिन छोड़ा है। और जो हमारी स्टोरेजेस होती हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, वो होती है कि बस एक स्टोरेज पे आप किसी तरीके से दो सुपर गॉब्लिन छोड़ दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले बाहर तो लूट लिया है जो भी कलेक्टर्स थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। अंदर जितने भी मेरे पास मुझे रिसोर्सेस अवेलेबल दिख रहे हैं, जहाँ तक मेरी रीच पहुँच सकती है वहाँ तक मैं जा रहा हूँ। तो मैंने जंप स्पेल का यूज़ किया है यहाँ पे, और जंप स्पेल से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मैंने डार्क जो भी मुझे फील्ड अप लगा मैंने वो ले लिया। गोल्ड स्टोरेज हालांकि कोई फील्ड अप यहाँ पे है नहीं, बट यार लूट देख के मज़ा बड़ा आ जाता है। यहाँ पे बस डार्क का स्टोरेज और डार्क का एक ड्रिल रह गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जंप स्पेल भी जो है हमारा कितना यूजफुल है। यहाँ पे आपको जो है बस यहाँ पे जो है क्लॉक चल रहा है, तो क्लॉक पे आपको ध्यान रखना है टाइमिंग जो चलती है, क्योंकि यार ये जो है सुपर गॉप्स का यूज करना रेड्स में, इसमें टाइम का पंगा हो जाता है बस, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि बाहर के खाली स्टोरेजेस पे सिर्फ टाइम बचाने के लिए आप दो तीन सुपर गॉब्लिन छोड़ दें, इसलिए हम सिर्फ एक छोड़ते हैं। यहाँ पे बस काम हो ही गया। थोड़ा सा एलिक्सर स्टोरेज से भी ले लेते हैं, टीएच 13 था, हालांकि ये मुझे ट्रॉफी से मतलब नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बस मुझे लूट से मतलब है, इसलिए मैं जो है सिर्फ लूट रहा हूँ। आप देख सकते हैं 11 लाख कह रहा हूँ दोस्तों। मेरा नेक्स्ट मल्टीप्लेयर बैटल सर्च मुझे मिला है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि अंदर भी काफ़ी कुछ है, बट यहाँ खुशी की बात यह है कि ज़्यादा अंदर कुछ नहीं है। तो बाहर का तो मैं पहले सिंगल सिंगल से ही लूट लूँगा सुपर गॉप छोड़ के, क्योंकि सारे कलेक्टर्स जो हैं बाहर हैं, और जो भी स्टोरेजेस हैं जंप स्पेल इसीलिए रखता हूँ मैं जंप स्पेल, ताकि मैं अंदर डाल सकूँ अपने सुपर गॉप्स को। यहाँ सुपर गॉप्स की जो दोस्तों एबिलिटी है उसे जो बोलते हैं क्लोक एबिलिटी बोलते हैं, ये सेम वैसा ही है कुछ जैसे आपका बिल्डर बेस में होता है क्लोक आर्चर, उसमें कुछ सेकेंड्स की जो उसकी क्लोक एबिलिटी होती है जिसमें वो इनविजिबल होता है, किसी को भी नहीं दिखता, तो आप जो हैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आराम से छोड़ देते हैं सुपर गॉप्स को, पर जैसे ही वो विजिबल होता है यार तुरंत उसको सारी डिफेंसेस या जो भी हैं सब मार देते हैं। बट यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना फ़ायदेमंद है ये, कुछ स्टोरेज रह गए हैं मेरे यहाँ पर, अब मैं इनको करूँगा, इन पर जंप स्पेल डाल के यहाँ से भी जो है लूट लूँगा। इसमें आप देख सकते हैं जितना से ज़्यादा मैं यहाँ पे सेविंग करूँ अपने सुपर गॉब्लिन्स की, उतना मेरे को फ़ायदा है। जैसे ज़्यादा महंगे नहीं होते ये, बट आपको जो है कंटिन्यूस अटैक्स में काम आते हैं, आप बस ट्रेन करके रेडी करके रख दीजिए
और एक बार में आप 3-4 अटैक मार सकते हैं। तो मैंने भी वही करा है दोस्तों, जस्ट एक के बाद एक मल्टीप्लेयर बैटल्स जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, सुपर गॉब्लिंस का यूज़ करके। ये जो है मैं, मेरे पास जो है आर्चर क्वीन भी है और मैं जो है जंप स्पेल बचाना चाहता हूँ, तो मैं लास्ट जो मेरी ये डार्क ड्रिल डार्क स्टोरेज है इसको तो मैं यार आर्चर क्वीन से ही लाने की सोच रहा हूँ। क्यों जंप स्पेल पर बात करना, तो आप देख सकते हैं ये भी हो गया। तो ये भी बढ़िया लूट थी यार, बढ़िया 10 लाख के आसपास, ये भी मज़ा आ गया यार। मतलब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट मल्टीप्लेयर बैटल देख रहे हैं आप, इसमें काफ़ी कुछ अंदर भी है। ज़्यादातर आप देख सकते हैं अभी तक तो मैं जो है TH को नहीं उड़ा रहा था क्योंकि उन तक रीच ही नहीं थी, और अगर सारे जंप स्पेल में वहाँ TH तक लगा देता पिछले अटैक्स में तो बाकी चीज़ें नहीं लूट पाता। मेन मोटिव लूट है दोस्तों, अगर आपको TH भी मुफ्त में मिल जाए तो तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मैं TH भी तोड़ूंगा एंड में, पहले बाहर बाहर से लूटूँ। पहला जो मोटिव रखना है दोस्तों सुपर गॉब्स में वो ये रखना है कि आपको लूट में जो बाहर बाहर से मिल रहा है तुरंत आप छोड़ दें, उसके बाद दिमाग लगाएं जिस पे जो अंदर अंदर स्टोरेजेस होते हैं या TH होते हैं, आपके पास कितने जंप स्पेल्स अवेलेबल हैं, उस हिसाब से आप देख के अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कर सकते हैं चीज़ें। अगर आपको ट्रॉफीज चाहिए तो आप TH तोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप जो है स्टोरेजेस पे जा सकते हैं। अंदर जो है मेरी सिर्फ एक एलिक्सर ड्रिल रह गई है और एक ये गोल्ड स्टोरेज रह गया, बाकी मैं TH भी तोड़ दूंगा क्योंकि मेरे पास एक जंप स्पेल भी है और सुपर कॉप्स भी बहुत हैं। तो पहले तो ये ख़त्म कर देते हैं गोल्ड स्टोरेज, उसके बाद हम जाएंगे एलिक्सर स्टोरेज पे। जो टूट जाओ जल्दी दोस्तों, ऐसी लूटे देख के तो यार मुंह में एकदम कसम से पानी आ रहा था, पानी मतलब फ्लड की तो ज़रूरत है नहीं, बस आप लूट दिखा दो फ्लड मैं ले आऊँगा। हालांकि वो सलाइवा का फ्लड होगा। मेरे पास गॉबलिंस काफ़ी हैं तो मैं एक जंप स्पेल बचा के रख रहा हूँ कि मैं TH तक रीच कर सकूँ, या तो मैं एलिक्सर स्टोरेज पे जंप यूज़ कर सकता था या तो TH पे, तो मैंने डिसाइड ये किया कि मैं TH के लिए ही छोड़ देता हूँ, लास्ट में देखी जाएगी। और दोस्तों यहाँ हील स्पेल भी रखा है मैंने CC का, कभी कभार बहुत काम आ जाता है हील स्पेल भी, क्योंकि अगर रीच दूर हो आपकी, अंदर की तरफ TH हो या अंदर की तरफ कोई स्टोरेज हो जो आपको नेसेसरली चाहिए हो, कह सकते हैं आप डार्क, कई बार आपको बहुत ज़रूरी होती है डार्क, तो उस केस में अंदर तक जाते आते जो है सुपर गॉब्लिंस की क्लोक एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो मैं तुरंत ही उस टाइम पे जो है हील स्पेल का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों 3 मिनट में से सिर्फ 54 सेकेंड्स बाकी हैं अभी, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये अटैक, तो आपको टाइम का भी जो है बहुत ध्यान रखना है। देख सकते हैं ये लूट भी काफी बढ़िया थी यार, मतलब ऊपर से बोनस भी मिल गया। दोस्तों फिर से एक मल्टीप्लेयर बैटल सर्च में एक बढ़िया बेस मिला, इसमें यार काफी कुछ बाहर ही है, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं तो यार बाहर बाहर से ही लूट लूंगा, ऐसे बेसेस भी आपको कई बार मिल जाते हैं देखने को, और ऐसे बेस तो यार मैं कहूँगा मतलब चेरी ऑन द केक होता है, कुछ करने ही नहीं है आपको, आपको बस एक सुपर गॉब जो है एक कलेक्टर पे डाल देना है और स्टोरेज जो है वो 2 सुपर गॉब्स की रिक्वायरमेंट मांगता है। और ये तभी है दोस्तों जब कोई डिफेंस उन पर अटैक ना कर रहा हो, अगर डिफेंस भी अटैक करते हैं तो आपको कई बार ज़्यादा छोड़ने पड़ जाते हैं, या रीच दूर हो तब भी आपको ज़्यादा या कोई मेरे को वॉच कर रहा है अभी लाइव वॉच कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, देख लो देख लो कितनी लूट मिल रही है, देख लो तुम भी पानी ना आए तो बताना मुंह में। यार मेरा तो यार मन भर गया बिल्कुल ही, मतलब तो यार आशा करता हूँ आप सबको सुपर गॉब्लिन का यूज करना तो अब समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे एक जो है मेरा गोल्ड वाला भी रह गया है कलेक्टर, और यहाँ डार्क भी रह गई है, जंप स्पेल 2 हैं तो दोनों यूज करेंगे, और यहाँ से हम
रेज भी कर देते हैं इनको, और अगर THTS तक तो नहीं पहुंच पाएगा, हालांकि इतना काफ़ी है। बाकी वॉल्स क्या तोड़नी है, रखली जो गोल्ड स्टोरेज रह गई है, गोल्ड कलेक्टर रह गया, उसको आर्चर क्वीन से ही तोड़ दूंगा। तो ठीक है यार, इतना तो बहुत ही है, कोई नहीं। करता हूँ दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप सभी को जो है इसको सुपर गॉब्स को इस्तेमाल करना आया होगा। तब तक आप जो है सीखिए, इनको इस्तेमाल कीजिए अपने अटैक्स में जाके, और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।